ओके, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज का जो लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज़ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर एंड कनेक्शंस। और इसके साथ बहुत से टॉपिक कवर हो चुके हैं, जैसे अगर और कोई आपको डाउट आता है आप बता सकते हो, उसको मैं फिर से बना दूंगा। अगर कोई वीडियो में प्रॉब्लम आ रही हो, कहीं आपको देखने में लग रहा हो कि नहीं क्लियर नहीं दिख रहा है, तो ये लास्ट टॉपिक जो है मशीन का, इसके साथ ही फिर कल से न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे। दैट इज़ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर और कनेक्शन इस टाइप डेल्टा डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा। तो ये होता क्या है, पहले तो ये समझ में आना चाहिए आपको। डेल्टा कनेक्शन, जैसे थ्री लाइन है, थ्री वायर निकल रहे हैं, दैट इज़ द डेल्टा कनेक्शन। स्टार में क्या होता है, एक न्यूट्रल भी होता है, तो ऐसे में आप फोर वायर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल सी बात करते हैं, दैट इज़ द डेल्टा डेल्टा कनेक्शन। आप देख रहे हैं प्राइमरी भी डेल्टा में, स्टार में भी डेल्टा में कनेक्ट हो रही है। इसमें आपको एक बात और क्लियर होगी कि डेल्टा में जो है वोल्टेज नियरली इक्वल होते हैं, लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, बट करंट जो होती है लाइन करंट इज़ नॉट इक्वल टू फेज करंट। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ द आई ए, आई बी और आई सी, ये लाइन करंट है। ये जो करंट दिख रहे हैं ए बी बी सी सी ए, दैट इज़ द फेज करंट। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, तो ये इसका सेकेंडरी है, प्राइमरी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल लेटर वी इंडिकेट द प्राइमरी साइड एंड स्मॉल लेटर इंडिकेट द सेकेंडरी साइड। अच्छा, दूसरी चीज़ आपको एक और चीज़ बताया था, मैंने क्लॉक बताया था क्लास में, कि कनेक्शन का फेज डिफरेंस हम क्लॉक से भी बता सकते हैं। जैसे कि आपको बताया था मैंने क्लॉक वाले में, इसमें फेज डिफरेंस बता सकते थे अपन। जैसे अगर इसमें 180 का फेज है, तो मिनट एक मिनट हैंड होता था, एक आवर हैंड होता था, एक मिनट हैंड होता था, क्योंकि ये मान लीजिए ये है, ये एंगल कितना था उसमें 180 डिग्री। तो इसमें भी अपन फेज डिफरेंस सबके दिखा सकते थे, एक प्राइमरी बता रहे थे, एक सेकेंडरी बता रहे थे, दैट इज़ द क्लॉक। एक और मैं डालूंगा अलग से, क्लॉक के लिए अलग से डालूंगा, रिप्रेजेंटेशन बाय फेज डिफरेंस विद द क्लॉक। ठीक है, तो उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा सारे क्लॉक्स जो होंगे। तो ये आप देख सकते हैं डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है, इस तरीके से आप डेल्टा डेल्टा कनेक्शन करेंगे। और इस कनेक्शन में क्या होता है, मोस्टली 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। मान लीजिए अगर अपन कर रहे हैं फेज डिफरेंस की फॉर्म में, दैट इज़ इंडिकेट बाय, आप देख सकते हो कि जैसे मान लीजिए फेज डिफरेंस करना है, तो एक वाइंडिंग जो है अभी, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है, इसमें अगर आप क्या करेंगे 0 डिग्री, और अगर आपको 180 डिग्री करना है तो ये ऐसा बन जाएगा आपका। ठीक है, दैट इज़ द 180 डिग्री फेज शिफ्ट कनेक्शन। तो जैसे फेजर अगर मैं बात करूँ डेल्टा का, तो फेजर डायग्राम होता है, तो जैसे मान लीजिए ये फेजर डायग्राम आप देख रहे होंगे, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फेज करेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फेज करेंट इस कलेक्शन ऑफ लाइन करेंट आई ए आई बी आई सी। और इसमें जो है, दैट इज़ ये जो आप देख रहे हैं आई ए आई बी आई बी बी सी, कहाँ गया आपका ये, तो आपको पता है वैसे भी लाइन करेंट इज लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज वोल्टेज, तो ये वोल्टेज तो आपस में बराबर होंगे ये वाले। ठीक है, ये वोल्टेज आपस में बराबर होंगे और ये करेंट विल बी आ फेज डिफरेंस। ओके, तो दिस इज द फेजर डायग्राम प्राइमरी एंड सिंपल जो है, इसमें जो आपने कैपिटल में लिए हैं ये स्मॉल में बन जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ द फेज डिफरेंस, इज अभी जीरो फेज शिफ्ट है, दैट इज़ द जीरो फेज शिफ्ट। मगर 180 कब होगा डेल्टा डेल्टा में, दैट इज़ द कनेक्शन इज अपोजिट, मतलब जैसे मान लीजिए ये है, ये सेम है, और 180 फेज शिफ्ट में स्टार में कब बोलूँगा मैं, जब यही वाइंडिंग को मैं यहाँ नीचे ले जाऊँ और ये ऊपर हो जाए, और ये इसमें क्या हो जाएगा, 180 फेज शिफ्ट होगा, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, सेकेंड वन इज दूसरा कनेक्शन, इसमें डेल्टा स्टार और स्टार और डेल्टा। एक और चीज़ आपको याद रखना है, डेल्टा से स्टार में अपन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पास यूज़ करते हैं, कि मान लीजिए फील्डर से थ्री लाइन्स आ रही हैं डेल्टा में और हमें फोर वायर्स में डिफरेंस करना है, तो दैट इज़ द स्टार, उसमें हम चार वायर निकालते हैं। और एक चीज़ और बड़ा ध्यान रखना है कि स्टार डेल्टा में कनेक्शन जो है, उसमें वोल्टेज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, भी मैं आपको दिखाऊँगा कि जैसे ने बताया है कि फेज करेंट इज इक्वल टू द लाइन करेंट इन द स्टार, सो द लाइन वोल्टेज इज थ्री टाइम्स ऑफ द फेज वोल्टेज। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है स्टार स्टार की, और स्टार स्टार कनेक्शन इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री फॉर अनबैलेंस लोड इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रल कनेक्शन, ये एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी। दूसरा हम देखते हैं डेल्टा डेल्टा स्टार कनेक्शन में, डेल्टा स्टार में
ये जो है प्राइमरी इज इक्वल टू डेल्टा एंड सेकेंडरी इज कनेक्टेड टू द स्टार, और दिस कनेक्शन इज प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल फॉर सेकेंडरी फेज वोल्टेज। इसमें भी वही बात है, यहाँ से मान लीजिए पहले ये डेल्टा में था, अब स्टार में कनेक्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब इसका मैंने एक और वायर नहीं यूज़ किया अभी, जैसे ये एक वायर और होगा दैट इज़ द न्यूट्रल, और इसके अपोजिट वाले में स्टार यहाँ रहेगा, डेल्टा यहाँ रहेगा। सिर्फ वोल्टेज का डिफरेंस है, इधर आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा कि यहाँ का जो करंट है और यहाँ एकदम काय में कन्वर्ट हो गया, स्टार में कनेक्ट हो गया। यानी कि अगर हम कोई भी यहाँ का करंट, अभी तो क्या हो रहा है, डेल्टा डेल्टा था, स्टार स्टार था, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो लाइन करंट डेल्टा में क्या होगा, लाइन वोल्टेज इक्वल होगा, लाइन वोल्टेज इक्वल होगा। अगर ये वोल्टेज मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँगा तो यहाँ तो वो जो करंट है स्टार में करंट सेम होती है, फेज करंट इक्वल टू लाइन करंट, तो यहाँ चेंज किस में आएगा, वोल्टेज में आएगा। और सेम अगर मैं स्टार डेल्टा को यहाँ कर दूँ, डेल्टा को यहाँ, स्टार को यहाँ कर दूँ, तो स्टार में करंट इक्वल होती, लाइन करंट इक्वल होती फेज करंट की, ठीक है। और वोल्टेज क्या होते हैं, डिफर करते हैं। तो ये कुछ, ये पार्ट वन है, इसमें भी हम आगे और इसमें डिटेल में देखेंगे, नेक्स्ट में आपको डालूंगा। दिस इज द पार्ट वन फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्म कनेक्शन। अभी अपन इनका एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे, और क्लॉक अरेंजमेंट देखेंगे। थैंक यू।